आईपीएल में कभी चैंपियन रही मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल की टीम की मालकिन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है। मुंबई इंडियंस की टीम को नीता अंबानी और उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी हैंडल्स करते हैं। खिलाड़ियों के चयन से लेकर टीम की रणनीति तक में उनकी भूमिका होती है। साथ ही आईपीएल के हर मैच के दौरान टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नीता अंबानी और आकाश अंबानी मैदान में मौजूद रहते हैं। लखनऊ जॉयट्स से हार के बाद मुंबई इंडियंस की राहें आईपीएल 2024 में मुश्किल हो गई है। मैदान में मैच के दौरान कई ऐसे लम्हे आए जब नीता अंबानी और आकाश अंबानी मायूस दिखे हैं। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही कई तरह की अटकलें भी हैं कि अगले साल रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं हो सकते हैं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मुंबई का है। मैच के मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ कार से घर लौट रही है। कार आकाश अंबानी खुद ही ड्राइव कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ सिक्योरिटी की लंबी टीम थी। कार ड्राइव करते वक्त भी आकाश अंबानी मायूस दिख रहे थे। वह अपनी धुन में कार ड्राइव करते घर की ओर जा रहे थे। चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही कोई भाव। पेपराजी ने यह पल कैमरे में कैद किया। वीडियो देखकर लग रहा है कि आकाश अंबानी कहीं खोए हुए हैं। वहीं बगल की सीट पर बैठी मां नीता अंबानी भी टीम की हार से उदास दिख रही थी। वह भी बेटे से ज्यादा बात करती नहीं दिख रही थी। वह आगे की सीट पर उदास बैठी थी और घर की ओर जा ही थी। माँ बेटे का वीडियो देखकर साफ लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की हार से उन्हें सदमा लगा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार शुरू से ही कुछ कमाल नहीं कर पा रही थी। अंतिम मैच में भी टीम लाज नहीं बचा पाई। शायद इसी वजह से नीता अंबानी और आकाश अंबानी उदास दिख रहे थे, क्योंकि आईपीएल इतिहास में शायद नीता अंबानी की टीम को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। मैदान में मैच के दौरान हमेशा नीता और आकाश अंबानी ही नजर आते थे। साथ ही इन दोनों का ही खेल के प्रति अद्भुत प्यार था। शायद इसी वजह से चेहरे पर हार की मायूसी थी। गौरतलब है कि आईपीएल 2024 से मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है। टीम ने 14 में से कुल 4 मुकाबले ही जीते हैं। मुंबई ने आईपीएल से पहले ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पंड्या को कमान थमाई थी, लेकिन हार्दिक कुछ खास कमाल नहीं कर सके। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी खुश नहीं है। अब उनको लेकर बातें हो रही है कि वह अगले साल मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे। इसे लेकर खुद एमआई के कोच मार्क बाउचर ने बयान दिया है। रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए 158 मैचों में कप्तानी करते हुए 87 मैच में जीत दिलाया है, जबकि 67 मैच में उनको हार मिली है। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल चैंपियन बनी थी।